फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी साड़ी का यूज कैसे करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, ये हमारी पुरानी साड़ी है, देख सकते हैं। आज हम इसका बहुत ही आसान और सबसे अच्छा यूज करेंगे। देखिए हमारी डबल कलर में पल्लू हमारा अलग कलर का है और हमारी पूरी साड़ी अलग कलर की। देखिए इस तरह हमने खोल ली पूरी साड़ी और हमने पूरी डबल भी कर ली। देखिए एक साइड से थोड़ा सा इस तरह, और सब एक बार फोल्ड करेंगे फोर फोल्डिंग में। देखिए हमने फोर फोल्डिंग कर लिया है और देखिए इसमें हम सूट बना रहे हैं। देखिए इसकी पहले लेंथ लेंगे हम। देखिए इसकी लेंथ 40 है, इस तरह 40 आएगी यहाँ पे हमारी। देखिए इस तरह मैंने निशान लगा लिया है और इसमें हम एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए इस तरह हमारा पूरा बॉर्डर हम कट कर देंगे। देखिए शोल्डर 6 इंच लेंगे हम, इसके मोटे भी हम 6 इंच लेंगे। देखिए ये हम 36 साइज का बना रहे हैं तो फोर फोल्डिंग में 9 इंच, और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। और देखिए यहां से 6 इंच फिनिश लगाएंगे। देखिए इसकी कमर 32 है तो हम फोर फोल्डिंग में 8 इंच फिनिश लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन। और यहां से हिप साइज का निशान लगाएंगे 13.5 इंच पे, और हिप साइज हमारा 40 है तो हम 10 इंच पे निशान लगा लेते हैं और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। देखिए इस तरह देखिए इसमें हम 1.5 इंच की गुलाई देंगे और जो हमारा आगे वाला होगा उसमें हम 1 इंच की गुलाई देंगे। तो देखिए इस तरह निशान लगा लिया, अब सेम टॉपिक हम कट करेंगे। देखिए इस तरह में कट कर लिए, अब जो हमारा अंदर वाला है इसे हम अंदर कर देंगे थोड़ा सा, और जो हमारा ऊपर वाला है उसमें हम 1 इंच की गुलाई देंगे। देखिए इस तरह, और नेक आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं आगे और पीछे का। अब हम स्लिप कट करेंगे इसमें से। देखिए फोर फोल्डिंग कर लिए मैंने साड़ी इस तरह, और हम शॉर्ट स्लिप बनाएंगे, आप फुल भी बना सकते हैं इसमें से। देखिए इसको जो लंबाई लेंगे वो हम 6.5 इंच लेंगे, और जो इसकी विड्थ लेंगे वो 11 इंच लेंगे। देखिए फुल हमारी 11 इंच, 6.5 पे यहाँ पे अभी निशान लगा लेते हैं, और देखिए ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहां से हम इस तरह गुलाई देते हुए इससे मैच कर देंगे और फिर हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया और ये हमने बॉर्डर लिया जो ऊपर से बॉर्डर निकला था, इस तरह हम इसके ऊपर बॉर्डर लगा देंगे। देखिए इस तरह हमने सूट कट कर लिया, स्लीव भी हमने कट कर लिए। देखिए इस तरह आप ये पुरानी साड़ी में से भी सुंदर सा सूट बना सकते हैं, और जो आपकी बची हुई साड़ी है उसमें से आप प्लाजा या पैंट या सलवार भी बना सकते हैं आप नीचे के लिए। इस आसान तरीके से आप साड़ी में से सूट बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर।